वो तो आसमान को इसके दौर में ज्यादा हुई है। अभी इमरान खान के दौर में, उसके बाद जो 16 महीने की हुकूमत चली है उसमें तो बिल्कुल आटा फ्री में रहा था। नहीं, फ्री में नहीं मिल रहा था, लेकिन ये है कि अब जाहिर इतना कर्जा चढ़ा सब कुछ, वो काम करते हो टाइम तो लगता है ना। 16 महीने में काम हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे मैम? अल्लाह का शुक्र है। वोट बना हुआ? जी। किसको देने वाले? इंशाल्लाह इमरान खान को, नून लीग, नवाज शरीफ। जी आप बताएं कि इमरान खान को वोट देने की तीन वजह बता दें। तीन वजह, पहली बात तो ये है कि वो पहला ऐसा लीडर मुझे तो लगा कि जो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर इस टाइम ज़रूरत है तो वो इमरान खान की है। नहीं, वजह बतानी है आपकी, ख्वाहिश नहीं बतानी। ख्वाहिश मैं यही है ना, ख्वाहिश यही, ख्वाहिश नहीं ना मैं, मतलब जो लुटेरों के जो टब्बर हैं जैसे कि नवाज शरीफ लोगों का है और जरदारी का है और बाकी जो भी ख़ानदानी जो मतलब सालों से पाकिस्तान को लूटते आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का मुझे लगता है कि वो कुछ कर सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो कहती हूँ नवाज शरीफ को वोट जाना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट देखा जाए तो एक तो मेट्रो बस है, ये सबसे बड़ा है, एक है हमें इसका बेनिफिट है। आपको पता है मेट्रो लॉस में जाती है? हमें तो बस इतना पता है कि हमें तो इसका है ना एडवांटेज है। एडवांटेज नहीं है, इससे मुल्क पे कर्जा जा रहा है, आपको पता है लॉस में। हमें तो एडवांटेज बताने नहीं आया, मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ, मेट्रो का बता रहे थे। आपने आपने वजह बतानी है ना, आप अगर इमरान खान को सपोर्ट करती है तो तीन वजह बतानी है। अब मेरी ख्वाहिश है कि देखिए आप मेरी बात सुने ना, हम कोई पॉलिटिक्स में तो है नहीं कि हमें इतना कोई उसकी डीपली उसकी चीज़ें बताओ, लेकिन ये है कि लगता है तो लगता है, जो वही बात मैंने बताई है ना कि लगता है हमें। अच्छा, वैसे फैक्ट्स फिगर देखने चाहिए। अगर फैक्ट देते तो ये तो उस टाइम था कि महंगाई इतनी थी, अब जो महंगाई है वो तो आसमान को इसके दौर में ज्यादा हुई है। अभी इमरान खान के दौर में, उसके बाद जो 16 महीने की हुकूमत चली है उसमें तो बिल्कुल आटा फ्री में रहा था। नहीं, फ्री में नहीं मिल रहा था, लेकिन ये है कि अब जाहिर इतना कर्जा चढ़ा सब कुछ, वो काम करते हो टाइम तो लगता है ना। 16 महीने में काम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह जब इनको मिलेगा। अच्छा, तो पिछली जो तीन बारियां मिली है नून लीग को उससे नहीं हुआ काम है ना? उसमें देखे ना, जब उस टाइम की चीनी थी 55 के केजी की, तो कितने की, एक किलो के कितने, 55 की, और आप देखें कितनी महंगाई होगी है। अच्छा, आपका मानना है कि नून लीग की हुकूमत में जो है सस्ती मिलती है चीज़? हाँ जी, सस्ती मिलते हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और आपको? इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, अगर इन लोगों को लगता है, देखो जब उनकी हुकूमत थी तो मतलब उस टाइम का तो खैर मुझे नहीं याद, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी तो काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ ही तकरीबन सस्ती हो गई थी, मतलब हमारी अप्रोच में थी हर चीज़। लेकिन अभी ये है कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद से तो मतलब महंगाई ने आंती मचाई हुई है ना इन लोगों ने, रोटी भी नहीं मिलती, और खैर हमें तो मिलती है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत सेहत से लग नहीं रहा है दोनों। नहीं नहीं, वो सेहत आप कुछ लोगों की होती है ना, फिजिक ऐसी, फिजिक ऐसी होती है, ऐसे मजाक कर रहा था। अच्छा, अभी जो केसेस बनाए जा रहे हैं इमरान खान साहब पे ना, तो आपको लगता है कि ये लेजेंड बिल्कुल बेतुके से है ना, मतलब हर चीज़ ही उठा के उसके ऊपर सर पे लगा रहे हैं? कौन बना, कौन है? कोई एविडेंसेस तो नहीं है उसके खिलाफ ना, कोई ऐसी वैसी है, बना कौन है? ऑब्वियसली ओपोजिशन बना रही है और हम लोग तो बना नहीं रहे। ओपोजिशन तो अभी पावर में है ही नहीं है, अभी तो वो वाली हुकूमत है ना, अभी सारा कुछ मिक्स ही है, सारा कुछ मिक्स ही है, निगरान भी वही कुछ है और ओपोजिशन भी वही कुछ है, सारे मिले हुए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट जो होगा। आपको लगता है ये जो अभी ओपोजिशन या जो भी इक्तदार में लोग हैं जिनके पास अभी पावर्स हैं, जो केसेस बना रहे हैं इमरान खान पे, ये लेजिट है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या, जमजमे आवाज़? 100% ठीक है, इंशाल्लाह सही है। हाँ जी, इस पर जो है नून लीग को सही बोल रही है, ये बोल रही है तो ठीक ही होगा, मेरी दोस्त है तो सही कह रही होगी, आप हमारी दोस्ती तुड़वाने आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ हर बंदे की अपनी होती है ना, एक माइंड सेट होता है, एक ओपिनियन होता है, एक सोच होती है, एक नजरिया होता है। सही कह रही है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम जाया किया। थैंक यू।